हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस में। बच्चों, आज क्रैश कोर्स का चौथा लेक्चर है, पार्ट फोर। आज क्रैश कोर्स का पार्ट फोर अब चल रहा है। इसमें किस प्रकार क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। इसमें दो पर क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि, क्वेश्चन क्या कर रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या एन के लिए 4 के पावर n का मान अंक 0 पर समाप्त तो हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 10 के पावर n का मान अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जांच करना है कि 4 के पावर n का जो मान होगा ना, वो अंक 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा। और दूसरा, 10 के पावर n का जो मान होगा, अंक 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा। देखिए, 0 पर समाप्त होने की कथा क्या है, उस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे मेरे पास एक संख्या 10 है, ध्यान दीजिएगा, मेरे पास एक संख्या कितना है, 10 है। चलिए 10 को है ना गुणनखंड करते हैं, 2 से देते हैं, 2 से 5 लगता है। 20 क्या करते हैं, तो 2 से करते हैं 5 आता है, मतलब 2 और क्या आता है, 5 आता है। 100 का करते हैं तो 2 से 50 2 से 25, 5 से करेंगे तो 5। 1000 का करते हैं तो 2 से 500 2 से 250 2 से 125, 5 से करते हैं 25, फिर 5 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, संख्या 10 है, 20 है, 100 है, 1000 है, सब संख्या का है जो अंतिम अंक जो है, इकाई का अंक है, वह 0 है। देखिए, तो जितना भी 0 वाला संख्या में 4 बोली है, सब में 2 5 2 5 2 5 उपस्थित है कि नहीं है। तो देखिए, उसी प्रकार एक संख्या लेते हैं 20 में भी है, उसमें भी 2 5 है, लेकिन हम यहाँ पर ले लेते हैं 18। देखिए, अंक 0 पर समाप्त नहीं ना है। अब देखिए, इसमें हम भाग देते हैं तो 2 से भाग देंगे तो 9, 3 से देंगे 3। तो बताइए, 18 का जब गुणनखंड किए हैं, उसमें 2 आया है, 3 आया है, क्या 5 आया है, नहीं आया। लेकिन शून्य वाला जितना भी संख्या है, उस सब में गौर से देखिएगा ना, 2 और 5 निश्चित रूप से है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 30 है, 30 में भाग दीजिएगा 2 से 15, 3 से 5। तो बताइए, 30 में भी है, 2 है 3 है 5 है, 2 और 5 है कि नहीं। तो याद रखिए, कोई भी संख्या के अंदर शून्य आएगा ना, इसका मतलब उसके आवाज गुणनखंड में 2 और 5 तो मौजूद होवे करेगा, निश्चित रूप से 2 और 5 रहेगा। अगर 2 5 है ना, हमें से कोई एक भी है ना अब्सेंट है, तो इसका मतलब, अगर मतलब यह हो गया अब्सेंट के अंदर कोई एक को अनुपस्थित है, तो वह है ना संख्या जो है ना, संख्या का जो लास्ट अंक जो होगा, अर्थात इकाई का अंक जो होगा, वह शून्य नहीं होगा। बस समझ में आया कि नहीं है। यहाँ पर हमारे पास एक संख्या है 4 के पावर n है, और दूसरा संख्या, दूसरा क्वेश्चन में एक संख्या है 10 के पावर n है। अब देखिए, 4 के पावर n को हम तोड़ते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 4 के पावर n को तोड़ते हैं, 4 के पावर n है, n को ऊपर आने दिए, 4 को तोड़ते हैं तो 2 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं, इसको अलग कीजिएगा तो 2 के पावर n × 2 के पावर n होगा। कहने का मतलब यह हुआ, 4 का जब आभाज गुणनखंड कीजिएगा तो सिर्फ इसमें 2 और 2 ही आएगा, क्या 2 के अधिक तोड़ कोई संख्या आ रहा है, नहीं आ रहा। और आप यहाँ पर देखते हैं कि है ना, अगर संख्या के अंदर 0 आना है तो उसमें 2 और 5 का होना आवश्यक है कि नहीं है। लेकिन मेरे पास केवल इसमें 2 आया था, क्या ये 0 पर समाप्त होगा, नहीं समाप्त होगा। तो उसी के लिए यहाँ पे लैंग्वेज लिखी है, यहाँ 4 के पावर n के आवाज गुणनखंड में केवल 2 ही आता है, किंतु संख्या के अंत में 0 आने के लिए संख्या के आवाज गुणनखंड में 2 और 5 का होना आवश्यक है। अतः किसी प्रकृतिक संख्या n के लिए 4 के पावर n का मान अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। समझ में आया कि नहीं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, 10 के पावर n है, 10 के पावर n का गुणनखंड किए हैं तो 2 × 5 के पावर n है, इसको 10 का करेंगे 2 × 5 हो गया, इसको अलग करेंगे 2 के पावर n और 5 के पावर n। देखिए, हम 10 के पावर n का जो गुणनखंड करते हैं तो उसमें केवल 2 और क्या आता है 5 आता है, और ऐसे किसी संख्या के अंदर 0 आने के लिए 2 और 5 का होना आवश्यक है जो इसमें मौजूद है। अतः इसमें क्या है ना, इसका जो होगा मान जो होगा, वो अंक 0 पर क्या होगा, समाप्त होगा। कोई बात लिखे यहाँ पर, यहाँ 10 के पावर n के आवाज गुणनखंड में केवल 2 और क्या आता है 5 आता है। हम जानते हैं कि संख्या के अंत में 0 आने के लिए 2 और 5 का होना आवश्यक है, अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 10 के पावर n का मान संख्या 0 पर क्या हो सकता है, समाप्त हो सकता है। बस समझ में आया कि नहीं आया। आशा करते हैं मेरा ये क्वेश्चन आपको अच्छा ढंग से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।